यहाँ पे आ रहा है मेरा बेबी मेरे बाल देखने के लिए आए। टन टन करवा दिया कौन? क्या किया? बहुत छोटे हो गए बेबी। बहुत छोटे नहीं हुए, ठीक है। बहुत छोटे हो गए, ऐसा लग रहा है कि वो पतले पतले सिवैया लटक रहे हैं। आई डिडंट लाइक इट। पता नहीं अभी फर्स्ट इम्प्रेशन तो कुछ मजा नहीं आया। जी गुड मॉर्निंग पीपल, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जी पापा का आया नाश्ता, अब पापा का नाश्ता खाना है सबको, पापा को छोड़ के। इनका वो मंगवा लो ना एक अंडा, मेरे वो देख रहे हैं मेरे बॉयल्ड एग। तो क्या हो गया? ले लो बेटा। मैंने बहुत सही शब्द यूज करने की कोशिश की लेकिन फिर भी सही नहीं निकला। लो इसमें मिर्ची नमक डाला हुआ है। दे दो ना एक पीला, बच्चे हैं खेडने, एनर्जी चांदी चाहिए मेरी बच्चिया नु, एनर्जी चाहिए। ऊपर से मिर्च निकाल दे। हाँ बहुत गम गम है बाबा, बहुत गम गम है, गम 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 ओ गम 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 गम। अच्छा क्या करके ठंडा करके गिराती हूँ, रुक जा। अरे पानी पी गई क्या? नहीं पानी नहीं पी गई, अंडे में मुंह मार रही थी। अच्छे से क्यों मत देना, कारपेट पे नहीं, गिरा दिया उसने, वो निकलेगा नहीं उसमें से। दे कहाँ गिरा दिया? जी ना मेरा नाश्ता, डोसा चटनी और अंडे और उसके साथ दो अलग अलग चटनी। और बेबी आज वो मेरे शूज बदलवाने चलना पड़ेगा, मेरे को मजा नहीं आ रहा उन वाले शूज में। इतने महंगे जूते लिए और मजा ना आया तो क्या फायदा। मुझे वही जूते चाहिए जिसका साइज नहीं मिल रहा था, चाहे मुझे वो 6 महीने बाद दें, मुझे नहीं पता। वही चाहिए ना? नहीं तो फाइनली इसने वही चाहिए उसको जो मैंने सिलेक्ट किया था इसके लिए, उसको वही चाहिए। मैंने कहा था क्या है, कुछ भी नहीं है, बकवास। अगर मुझे नहीं मिला ना, मैं इंस्टाग्राम पे रॉक को मैसेज कर दूंगा कि मुछे जूते का साइज चाहिए, मुझे भिजवा कर दो। एक मैसेज छोड़ दो ना रॉक को, है ना, रॉक पड़ता है ना, मैसेजेस पड़ता है। देखो इंसान अच्छा हो ना तो भी सब हो जाता है, और जानवर जानवर तो गलती है, गलत कुत्ता है ये। बस हो गया बेटा, हो गया नाश्ता, हो गया आपका पेट इतना ही था जितना आपने नाश्ता किया। चलो अरे यार पागल ना होता। नहीं डांटना नहीं है, वो देखो ना मेरी, इसको पकड़ के रखो कारपेट को नहीं तो खुल जाएगा। पागल ना होता, ये क्या किया? डांटना नहीं है बेबी, उसको नहीं पता था पीछे पानी है। कोई बात नहीं चुंचा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। खुद भी गीली हुई पड़ी है, पूरी गीली हो गई। अमिता पूरा पानी गिरा लिया अपने ऊपर, गिरा अच्छा है, कूद गई पानी पे। जल्दी इसको निकालना पड़ेगा अमिता, ये ट्रे खराब हो गई। ध्यान से अमिता, पानी बाहर ही गिरेगा इसमें से। ऐसे इस घर में दोस्तों ब्रेकफास्ट होता है, आपको कभी पीस चैन नहीं मिलेगा। क्या किया तुमने? नहीं बेबी, उसको नहीं पता था पीछे पानी है, अपना पानी खुद ही चाहती है। बॉडी का रे यार, सुखा दो, सुखा दो, जाओ मम्मा सुखाएगी, जाओ जाओ मम्मा के पीछे, जाओ मम्मा सुखाएगी। इधर कुछ नहीं मिल रहा, आप चलो कांड हो चुका है, आप भी जाओ सुखाओ अपनी बेटी को, जाओ जा जा जा। ये सर पे स्पेक कौन लगाता है? ये तो जो बहुत खूंखार इंसान है जिसको बहुत गुस्सा आता हो, सर गर्म रहता है, वही लगा सकता है। लेकिन लोग भी मेरी बात का जवाब वो दे रही है, मम्मा की तरफ से जवाब देना है। ओके समझ गए, आज कौआ नहीं आया? कौआ ब्रेड डाल के चला गया ना पानी में। क्या बात कर रही हो? हाँ निकालिए कि नहीं, देखो ब्रेड भी हुई थी उसने नरम करने के लिए, फिर नरम करके वो निकाल के लेके गया। कह रहे कड़क ब्रेड नहीं खाऊंगा मैं। कितनी देर में चलेंगे? बस अभी चलते हैं, मैं इसके पास बस 2-3 मिनट में थोड़ा अपना दिमाग शांत कर लूं। दिमाग अशांत है क्यों? अच्छा जिसका पति ऐसा हो उसका दिमाग अशांत ही होगा बेबी। मैंने तो कुछ भी नहीं किया सुबह से यार, मैं तो बाहर गया हुआ था। मैंने इस बात को अच्छा या बुरा नहीं कहा, मैंने कहा ऐसा है इसलिए ऐसा है। इस पे अच्छे और बुरे पे नहीं जाएंगे हम, क्योंकि जब अगर अच्छे और बुरे पे जाएंगे तो बहुत सारी बातें निकलेंगी। अच्छा हाँ आ जा, इधर खा ले, इधर खा ले, देखो इसका पेट कितना बड़ा हो गया, खा ले। आ जाओ बच्चों, आ जाओ, नहीं इधर खा ले, अंदर खा ले, चल। तो जी यहाँ पे आ गई है दाल खिचड़ी। ये क्या है अमिता, ये भी दाल खिचड़ी है? नहीं वो तो दाल है। वो दाल है, ये मेरी है ना खिचड़ी, और ये कुछ भिंडी की सब्जी एंड राइस। लेकिन राइस क्यों, दाल खिचड़ी के साथ अलग से राइस क्यों? अच्छा भैया के लिए क्या? ठीक है तो जी दोस्तों मैं आ गया हूँ संभावना को पिकअप करने, उसकी फिजियोथेरेपी थी, इसके बाद जाएंगे मेरे शूज चेंज करने। देखो मिलते हैं नहीं, बेबी आ गई है। बेबी सुनो ना, ये जरा पीछे रख दोगी क्या? मेरे को रखने के बाद रियलाइज हुआ मेरा हाथ लेफ्ट है ना पीछे जाएगा नहीं, हमको भी फिजियोथेरेपी की जरूरत है ना। गुड गर्ल, हाउ वाज योर फिजियोथेरेपी? अब तो तुम खुद ही कर लेती हो ना, तो कोई था या तुमने खुद ही किया है? नहीं आज तो करा किसी ने, मैंने कहा आज मैं मूड में नहीं हूँ काम करने के। तो खुद करने पे पैसा थोड़ा कम हो जाता है क्या? नहीं देते ना। बोलो मैं खुद कर दूंगी, 200 रुपए कम कर दो। हाँ मैं भी कहती हूँ इनको। नहीं तो बोलो मैं अपने पति को लेंगे, 4 लोग की और कर देगा, मेरा फ्री कर दो।
तो जी मैं शूज चेंज कराने आया हूँ अपने, वो जो एग्जैक्टली मेरे को पसंद आए थे वाले इसमें साइज नहीं है। फिर मैंने कुछ और ट्राई किया और आज एक नई चीज मुझे पता चली कि मेरा जो शू साइज है दैट इज यू के 11, मैं 9 पहन रहा था आज तक। तभी मेरे को मेरे पैरों में इतना दर्द क्यों होता है, मेरा अंगूठा मुड़ा क्यों रहता है। अब जो मैं लेके गया था उसमें भी साइज नहीं है यू के 11, जो मुझे चाहिए उसमें भी साइज नहीं है। अभी तीसरा शू मैंने ट्राई किया है ये वाला, अब अगर उनमें साइज नहीं मिला तो मुझे यही लेना पड़ेगा, देखते हैं। शू एक्सचेंज नहीं हुआ है दोस्तों, बहुत बुरा फंसा दिया है जूते के चक्कर ने ना, जूते का जंजाल। हाँ क्या हुआ, बहुत बुरी सिचुएशन हो गई बेबी। कुछ लाए तो हो तुम? अरे ये वही है, जो चाहिए था वो तो मिला नहीं और जो था वो भी गवा दिया। क्या हो गया मतलब? अरे ये रियलाइज हुआ मुझे कि ये जो है मेरा शूज एक नंबर पड़ गया है, यूके 11 हो चुका है मेरा। फिर? तो मैंने ट्राई किया, कंफर्टेबल था वो, मैंने कहा ठीक है, जो मेरे को चाहिए था वो मिला नहीं, बेज में था तो उन्होंने बोला यूएस से मंगाना पड़ेगा। मैंने कहा आप मंगाओ पहले, मैं पहन के देखूंगा और कलर मेरे ऊपर कैसा लग रहा है वो। फिर पता चला कि भाई मेरा तो शू साइज बढ़ चुका है, तो पता चला उसमें वो अवेलेबल नहीं है जो यूएस में। अरे इन शॉर्ट बताओ करना। फिर मैंने कहा जो मेरे पास है उसी में बड़ा साइज दे दो, तो उन्होंने बोला वो भी नहीं है। फिर उन्होंने तीसरा ट्राई किया, मैंने कहा तो ऐसा थोड़ी होता है यार। और क्या कह रहे सर आपको, मैं जाऊं क्या? आपको वही पसंद आ रहा है जो हमारे पास नहीं है। मैंने कहा ये भी कह सकते हैं इसको कि जो मुझे पसंद आ रहा है वही आपके पास है। तो कुछ करा क्या है? करा ये है, वो कह रहे थे कोई और ले लो कोई और ले लो। मैंने कहा कोई और नहीं चाहिए भाई, इतना महंगा जूता है मैं आधे मन के नहीं ले सकता कोई शू। तो फिर मैंने उनको बोला मैं ये रख लेता हूँ, क्योंकि उनकी दुकान पे रखना अलाउ नहीं है, आप एक हफ्ते का टाइम ले लो, जल्दबाजी मत करो, मेरे को एक हफ्ते बाद फोन करके बताओ। नंबर दे दिया मैंने, तुम्हें एक बार जाके लड़ाई करनी है। मैं कराती हूँ, मैं बोलो मेरे को जाऊँ क्या? एक बार लड़ी आओ जरा, मतलब ऐसा फॉर्मली बोल देना कि वो अरेंज करा दे। वैसे तो करा ही देंगे बट फिर भी तुम्हारी बात में वजन है ना, क्योंकि तुम में भी वजन है। उतारूं क्या तुम? अरे पहुंच पाओगी? चलो जी, अब मेरी बीवी करी आएगी काम, मुझे पक्का भरोसा है। जो काम मैं नहीं कर पाता ना वो मेरी बीवी करी आती है। ये लड़के तो नहीं आएगी कहीं, प्यार से भी बोलेगी तो काम हो जाएगा। जाओ बहुत गुस्से मेरे ताव में, पूरे बाल भी उड़ रहे हैं इसके ना विलन की तरह। डाउन का डाउन का डिक्की डिक्की डाउन डाउन डिक्की डाउन का डाउन का डिक्की डिक्की डाउन डाउन। अब दोस्तों स्टोर के अंदर क्या हुआ ये जानिए एक ब्रेक के बाद। धड़ैन क्या हुआ? मैंने बोल दिया, मैं कह रही है अवेलेबल नहीं है जूता। मैंने कहा आप मेरे को ये बताओ 16,000 का कोई जूता लेके और आपकी पसंद का ना हो, आप 4 गुना पैसे ले रहे हो किसी भी जूते के। 3,000 का एक जूता आ जाए, 4,000 का जूता आ जाता है। अगर 5,000 का भी आता हो तो ये 16,000 का है, 3 गुना ज्यादा है जूता। मैंने कहा हम वो ले लें जो हमारी पसंद का नहीं है, क्योंकि अवेलेबल बाकी नहीं है आपके पास। प्लीज गेट इट सॉर्टेड, आप हमें फोन करिए, नहीं है तो हम आगे कंप्लेन करेंगे। 16,000 नहीं जाने दूंगी मैं। मैंने कहा मेरे आपका यहाँ पे ये नहीं चला, मेरा ये 1,800 रुपए का जूता 1,800 का, अगर ये मेरे पैर में सही जम रहा है तो मैं ये लूंगी कि आपका 16,000 का जूता जिसमें मेरे पैर लंगड़ मार रहे हैं। इसकी तो गोंद भी निकल गई। गोंद निकल गई क्या? गोंद वोंद नहीं निकली है, कैंपस के जूते हैं, मजाक कर रहे हो। चलो मैं करके आई बेबी। लेकिन बहुत अच्छे मतलब प्यार से बात करी ना तुमने। भले लोग हैं, जो मुझे मेरी बात कहनी होती है स्ट्रांगली, देखो वो तो मैं बोलती हूँ, उसके आगे वो भले लोग हैं, वो मेरी बात समझे। फिर देखो मैं प्यार से ही बात करती हूँ, अपनी बात को स्ट्रांगली कहो, उसके बाद सब प्यार दोस्ती रिलेशनशिप सब कुछ है। लेकिन आप अपनी बात ही नहीं कह पा रहे कर रहे हो तुम इतना, तो घंटा ही कुछ मिलेगा ना। नहीं और जूते अच्छे यार मुझे पसंद आ रहे हैं, ऐसे थोड़ी पसंद नहीं आ रहे हैं जूते अच्छे ना। लेकिन मिले तो सही ना? मिलेंगे, ब्रांड अच्छा है, कम्फर्टेबल है। रुकिए ना, मेरे पास छोड़ दो इसको, नंबर मुझे दे दो। नंबर उनका लिया नहीं मैंने, बहुत हेल्पिंग है। अपना दे दिया मैंने, उनका नहीं लिया। नहीं तो उनका लिया ही नहीं है तो कर क्या रहे हो तुम? कौन कौन बताएगा तुम्हें? लेके आऊं और क्या? अरे और वो ये जूते उन्होंने क्यों नहीं लिए तुम्हारे, जब पॉलिसी पॉलिसी वहाँ पे रखने के कायदे नहीं है? नहीं मतलब वो वहाँ नहीं रख सकते ना। चलो निकाल लेंगे, तुम मेरे पास छोड़ो, ये करके देती हूँ मैं। अपने हक की लड़ाई हर एक को करनी चाहिए। अभी नंबर लेना है उनका कि नहीं लेना? नहीं मैं कर लूंगी, नंबर तो निकाल लूंगी मैं। तो जी फाइनली शिवानी ने बोला है कि मुझे बढ़िया सा हेयर कट देगी, कुछ तो जबरदस्त। शिवानी ने बोला है कि आई विल मेक यू लुक गुड, तो शॉर्ट करने जा रहे हैं हेयर। कितना शॉर्ट करेंगे? शॉर्ट मतलब बहुत शॉर्ट तो नहीं ना, 3-4 इंचेस दिया करते। 3-4 इंचेस बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगा? इतना जाएगा, देखते हैं दोस्तों। बहुत ज्यादा शॉर्ट भी नहीं करा है ना, अविनाश भी गुस्सा करता है, लेकिन डेड हेयर तो निकल ही जाए तो अच्छा है। ये वाली इतना काट रहे आपके बाल? और अभी कहाँ है? और ये तो बहुत लंबे काट रहे हो। लेकिन ये आपकी क्या है, कुछ भी काट रहे? पूछी है यहाँ पे कट रहा है, ठीक है ना, डेड हो गए फायदा नहीं है। एंड ट्रस्ट में के बाल बड़े बड़े अच्छे हो जाएंगे ऐसे। मेरे को मेरी कर्ली बाल ना वापस अभी करने हैं। तो जी मैं घर वापस आ गई हूँ, आप लोगों ने भी मेरे बाल नहीं देखे हैं, अविनाश ने भी नहीं देखे हैं,
तो जरा अभी जाके अंदर लुक दिखा। भैया कहाँ हैं? अंदर। चलो 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 चल, पहले अंदर जाएंगे, पापा के पास जाएंगे। कहाँ है बेबी? बेबी कहाँ है? अरे तो बाथरूम में लग रहा है मुझे। बेबी कितनी देर में आ रहे हो? 5 मिनट। जरा बाथरूम से आ जाए फिर दिखाती हूँ। यहाँ पे आ रहा है मेरा बेबी मेरे बाल देखने के लिए। क्या किया? बहुत छोटे हो गए बेबी। बहुत छोटे नहीं हुए, ठीक है? बहुत छोटे हो गए, ऐसा लग रहा है कि वो पतले पतले सिवैया लटक रहे हैं। नहीं नहीं एकदम सही है, मैंने देख लिया बेबी, इनकी डेंसिटी खत्म कर दी है पूरी, जीरो कर दिए बाल। अरे नहीं भाई, ऐसा लग रहा है बाल झड़ने के बाद जब बच जाते हैं ना किसी के, उसके बाद जो बचते हैं वो बचा के दे दिए। नहीं बेबी छोटे किए बाल बेबी, इतने पतले लग रहे हैं बाल और इतने, देखो ये देखो यहाँ तक थे तुम्हारे बाल, और ये देखो बस ये बीच की चोंच रह दी, ये सब कुछ छोटे कर दिए बिल्कुल। बेबी थोड़ी गर्मियां भी बहुत ज्यादा थी, फिर बारिशें भी आ रही है। नहीं, लेकिन तुम्हारे पास छोटे बाल सूट नहीं करते। मैं भी ऐसे नहीं, ऐसे नहीं कहते, ऐसे नहीं कहते। I didn't like. ऐसे नहीं आते हैं। मनोबल कटा रहे हो, अगर ऐसे ही करना तो फिर तो फिर मेरे को फिर 2 दिन का टाइम दो, ऐसे कैसे बता दूंगा ना, पता नहीं अभी फर्स्ट इम्प्रेशन तो कुछ मजा नहीं आया। मतलब क्या चाहिए था, मजा क्या चाहिए था तुम्हें? मतलब ऐसे बाउंसी बाल होते और थोड़े घने होते और ये देखो, एक सेकंड अब देखो, बाउंसी बाल चाहिए ना तुम्हें, इनको बाउंसी करके बताओ या तो फिर। रेडी 1 2 3 कोई बाउंस नहीं आया, इतने पतले के पतले हो गए, इतने पतले क्यों हो गए बाल? ऐसा लग रहा है तुमने स्ट्रेटनिंग भी कराई है क्या? हाँ हाँ, तभी कर्ली क्यों नहीं रहने दिए? अभी मैं कर्ली जैसे ही छोड़ूंगी ना, अभी धो के वैसे हो जाएंगे मेरे बाल और शॉर्ट हो जाएंगे, अभी तो स्ट्रेट है तो लंबे लग रहे हैं तुम्हें। ओ ऐसे कर्ली होंगे तो तब तो जी, तब तो पूरा मतलब पूरा कांड हो चुका है जी, अब मेरी समझ में आया, क्योंकि बाल जब धुलेंगे ये ऊपर को चढ़ जाएंगे और परकट्टी बन जाओगी। परकट्टी? हाँ परकट्टी। हाँ चंचा, मामा का बाल क्या अच्छा लगे आपको? मामा का बाल कैसे लगे? चंचा को बालों वाले थोड़ी मतलब, मम्मा से मतलब, मम्मा आ गई, खेला खत्म। बेबी मैंने नीचे पता क्या देखा अभी? क्या? मैंने इसका वीडियो नहीं निकाला, मुझे बहुत। मैं समझ गया तुमने क्या देखा है। क्या देखा? कबूतर खा रही थी बिल्ली, बिल्ली थी, तीनों बिल्लियां, माँ और दोनों बेटियां कबूतर खा रही थी। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैं आया तो छोटी जो बच्चा था अकेले खा रहा था, मैं तुमको फोटो भेजने वाला था, मैंने कहा वीडियो तो नहीं बनाऊंगा बड़ा अजीब हो जाता है, लेकिन खूनम खून किया हुआ था मुंह लाल, तुम्हें जैसे ही फोटो खींचने के लिए मैंने गाड़ी के शीशे नीचे किया, बच्चा डर के भाग गया, कबूतर खा रहा है। लेकिन उन्होंने मारा थोड़ी होगा? उन्होंने नहीं किया, एक और कमीना बिल्ला यहाँ पे, उसने मारा कबूतर, उसने मारता है, वो मारता है उड़ के, वो जो मोटा वाला शेर जैसा। हाँ शेर जैसा है ना, इधर को ब्राउन कलर का है, नहीं तुम नहीं जानते उसको, मैं जानती हूँ, उसने किया। चलो अभी मिलती हूँ दोस्तों चाय के साथ और मेरी कॉफी के साथ। कॉफी पी रही है? देखो बाल पीछे करके एकदम ही खत्म हो गए, जैसे कान के पीछे लगा लिए ना तो खत्म ही हो गए, लगा बाल है नहीं, बिग है बेबी, छोटे लग कर दिए ना बाल। लेकिन छोटे क्यों कराए? गर्मी तो चली गई, अब पहले कराती तो समझ में आता है। नहीं हो रहा था मुझसे ना, मुझसे अब तो बरसात आने वाली है, अब ठंड लगेगी तुम्हें कान में, अब मुझसे नहीं मैनेज हो रहे थे, अब मेरे गर्मी से ना मेरे घबराहट सी हो रही थी। अभी सब एक्सक्यूजेस बना रही हूँ ना कि मैं गर्मी की वजह से। पापा का बेटा बताएगा मम्मा के बाल कैसे लगे, अगर पापा का बेटा चाटा मम्मी को हाँ। तो इसका मतलब मम्मी के बाल अच्छे लगे? नहीं उल्टा करो ना फिर, नहीं चाटा तो ये तो पता ही है सबको चाटेगी वो, ये कौन सा टेस्ट हुआ? अगर पापा के बेटे ने मम्मी को नहीं चाटा तो ये बाल अच्छे लगे? अब कुछ बोलोगी नहीं उसको तो क्यों चाटेगी? ओके पापा का बेटा, पापा चुवावा टेस्ट, चुवावा इज वेरी ब्रेनी, ब्रेनी ब्रेनी चुवावा। थैंक यू बेटा मम्मा को जिताने के लिए, थैंक यू बेटा मम्मा का साथ देने के लिए, थैंक यू बेटा, पापा का पीठ।